इंडिया ने साउथ अफ्रीका को टेस्ट सीरीज में 3-0 से हरा दिया। ये काफ़ी बड़ी जीत है क्योंकि लास्ट के दो मैचों में इंडिया ने साउथ अफ्रीका को फॉलो ऑन दिया और दोनों ही मैचों में आसानी से जीत हासिल की। इस सीरीज में इंडिया की तरफ से लगभग सभी खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन रोहित शर्मा का जिस तरह का इसमें प्रदर्शन रहा वो काबिले तारीफ है। रोहित शर्मा ने 3 मैचों में 529 रन बनाए 132 की एवरेज से। रोहित के इस प्रदर्शन से उन्हें टेस्ट ओपनर के तौर पर एक नई पहचान भी मिली। रोहित ने T20 और वनडे में तो ओपनिंग करते हुए काफी रन बनाए थे, लेकिन हर कोई चाहता था कि उन्हें टेस्ट में भी ओपनिंग का मौका मिले और उन्होंने ये करके भी दिखाया। रोहित को जब इस सीरीज में ओपनिंग का मौका दिया तो उन्होंने पहले ही मैच में दोनों इनिंग्स में शतक जड़े और तीसरे मैच में भी दोहरा शतक जड़कर दिखा दिया कि वो ओपनिंग में क्या कर सकते हैं। उनके इस प्रदर्शन के लिए उन्हें मैन ऑफ द सीरीज चुना गया। इंडियन पिचेस पर देखा जाता है कि स्पिनर्स का बॉल वाला रहता है, लेकिन इस बार फास्ट बॉलर ने भी काफी अच्छा प्रदर्शन किया। इंडिया के फ्रंटलाइन बॉलर जसप्रीत बुमराह इस सीरीज के लिए मौजूद नहीं थे, लेकिन इंडिया को उनकी कमी बिल्कुल भी खली नहीं क्योंकि मोहम्मद शमी, उमेश यादव और ईशान शर्मा ने इस सीरीज में काफी विकेट्स लिए। उमेश की एक गेंद से तो इस सीरीज में कंकसन सब्स्टिट्यूट भी देखने के लिए मिला। उनकी एक गेंद जाकर सीधा जीन एल्गर के हेलमेट पर जाकर लगी, जिसके बाद वो रिटायर्ड हट हो गए और इंडियन पिचेस पर पहली बार लाइक फॉर लाइक सब्स्टिट्यूट देखने के लिए मिला। लाइक फॉर लाइक सब्स्टिट्यूट का मतलब है कि अगर किसी प्लेयर के हेलमेट पर बॉल लगने की वजह से वो इंजर्ड हो जाता है तो बैट्समैन की जगह बैट्समैन, बॉलर की जगह बॉलर और ऑलराउंडर की जगह ऑलराउंडर आ सकता है। इस सीरीज में डीन एल्गर की जगह डी ब्रून खेलने आए थे। और अब बात करते हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की। इंडिया ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 2 सीरीज खेली है और दोनों में ही जीत हासिल की है। इंडिया फिलहाल पहले नंबर पर है और ये अच्छे चांस है कि इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेल सकती है। तो ये थी इस सीरीज की कुछ खास रिपोर्ट। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और स्पोर्ट्स की ऐसी ही हर छोटी बड़ी खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।